फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, गुड मॉर्निंग, बताइए किस जी, गुड स्टॉक पर मॉर्निंग सवाल पूछना चाहते हैं। जी। मेरे पास INX के हैं जी 200 शेयर, ओके 164 की एवरेज में, और सेल के बारे में पूछना था। जी सेल 450 शेयर है, 114.34 की एवरेज में, होल्ड जी करूँ या एग्जिट कर दूँ? क्या नज़रिया है आपका दोनों ही स्टॉक्स में? एक्चुअली तो मैंने एक एक डेढ़ साल से तो होल्ड कर ही रहा हूँ, तो अभी 6 मंथ्स तक है होल्ड करना। और ठीक है, 6 महीने तक का नज़रिया है। रत्नेश, क्या कहेंगे आप? सेल 114 की इनकी बाइंग है, IEX 164 की। ओवरऑल मेटल देखें तो काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस था, अब इनमें परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। पर्टिकुलर सेल देखें तो डेली चार्ट पर काफी अच्छा राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन बना था, यहाँ पे 106 रुपए के आसपास में उसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसका जो ओवरऑल टारगेट आना चाहिए यहाँ से 106 रुपए के ब्रेकआउट के बाद में कम से कम मेरे हिसाब से 135 से 140 रुपए का टारगेट इसका आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा बने रह सकते हैं यहाँ पे, एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें अपने, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी मेरी 105 रुपए की। ऊपर में टारगेट जो मैंने सुझाया इनको 135 से 140, वहां पे जरूर पे थोड़ा सा अपना मुनाफा बांध ले। और IEX यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे, तो IEX में मेरी सलाह रहेगी कि इनको 140 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए, कहीं पे भी 160 165 रुपए के आसपास में आए तो वहां पे निकल जाए। ओके, तो ये है सलाह आपके दोनों ही स्टॉक्स पर।